यार ये हर वन दिस इज रविचंद्री पी सी सी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थाई जुडिशियरी देखिए डी पी सी को कंटिन्यू करेंगे अपन इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट रिव्यू जो आप लोगों ने दिया पर यार सेटिस्फाई नहीं हुआ आप लोग आ, मतलब मैं आप लोगों से ज़्यादा बिजी हूँ लिटरली फॉर नाउ कि मैं आप लोगों को ज़्यादा वीडियोज़ भी बना रहा हूँ उसके अलावा फिर और भी सारी चीज़ें कर रहा हूँ एन सी आर टी वगैरह भी चीज़ें चल रही मेरी डिस्पाइट मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ बट आपके पास समय नहीं है कि आप कमेंट करो लाइक दिस इज नॉट फेयर ना यार एटलीस्ट कमेंट करो और जो चीज़ें मैं उसमें कन्वे करता हूँ कुछ उस पर रिप्लाइज भी दिया करो अपना ठीक है कर लेट इट बी द फर्स्ट वीडियो भी डिस्कस्ड अबाउट द मेट्रीमोनियल डिस्प्यूट्स जो वै वैवाहिक विवाद थे जो आपको यू you नो know, uh, मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको तलाक वगैरह के ऊपर कैसे आपको केसेस फाइल करने हैं ड्राफ्ट करने हैं और फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देखिए ड्राफ्टिंग प्लीडिंग और कन्वेंस का मतलब समझाया है मैंने और मैंने बोला था कि जब फर्स्ट वीडियो के बाद आपका ये जो कॉन्सेप्ट है डीपीसी पढ़ाने में समझाने में मुझे ज़्यादा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो इससे इस, इस पर डील नहीं करेंगे ना अपन डी डीपीसी में सारी चीज़ें होती क्या है उनके ऊपर बात करेंगे बात करेंगे इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की आज के वीडियो में आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर एट द मिड नाइट लिटरली एक बज रहे मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि जब इंडियन सक्सेशन एक्ट नाइनटीन को समझेंगे अपन तो उसमें कुछ मुद्दे हैं उस मुद्दों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ सेक्शंस से हैं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सो आज के वीडियो में इंडियन सक्सेशन एक्ट में कुछ कॉन्सेप्ट प्रोवेट है यू you नो know, उसके अलावा लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है सक्सेशन सर्टिफिकेट uh, है इस पॉइंट को समझेंगे पहले उसके बाद कैसे केस को ड्राफ्ट करना है कैसे प्लीडिंग करनी है वो बात भी समझेंगे सो so, दिस इज मी समर्था एसन जुडिशियरी जहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती है एर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द टैगलाइन ऑफ दिस चैनल जहां पे आपको कंटेंट दुनिया भर की चीजें मिलती हैं जैसा भी आप कहोगे आई कैन अरेंज द टॉपिक एज वेल बट प्लीज लाइक द चैनल सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ द कंटेंट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार अगर आपका सपोर्ट मिलेगा सो इट विल डेफिनेटली बूस्ट माई यू नो मोरल एज वेल सोट स्टार्ट करते हैं ना देखिए इंडियन सक्सेशन एक्ट को 1925 को समझने से पहले मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में जैसे डीपीसी के कॉन्सेप्ट को समझाया था वैसे ही सबसे पहले इसमें समझेंगे अपन आज के सबसे पहले कि वगैरह का मतलब क्या होता है क्योंकि अगर मैं आपको प्रोवेट का मतलब जब तक नहीं बताऊंगा आप चीजों को समझ नहीं पाओगे तो इंडियन सक्सेशन एक्ट को अगर आप ध्यान से देखो सो इट वॉज अराउंड नाइनटीन में बना ये एक्ट उस टाइम क्या होता था कि प्रोवेट और इसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले इस बात को समझिए कि जब आप जब कोई इंसान दुनिया छोड़ता है तो वो उसके पास इमोवेबल प्रॉपर्टीज होती है मोवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत तरह की चीजें होती है उसका होता क्या है तो यूजअली गांव में देखते हैं कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बच्चों में मोस्टली लड़कों में मोस्ट ऑफ द क्षेत्रों में यह देखा जाता है पर इंडियन सक्सेशन एक्ट कहता है 1925 में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि अगर किस कोई इंसान जिसकी डेथ होती है और वो अगर विल बनाया है अपना बसीहत तो बनाई है उस, अगर उसने तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है सो द इंडियन सेक्सेशन एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी बिल शुड बी एग्जीक्यूटेड विद प्रोविट का concept section of Indian Succession Act में कहा है कहता है कि दैट रेफर्स टू कॉपी ऑफ द विल बसीयत दैट इज सर्टिफाइड बाई द सील ऑफ अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जोरिस्डिक्शन

यू you नो know, मानता है कि आप उसके बिल को एग्जीक्यूट करोगे आप उसके बिल को आगे बढ़ाओगे उसके बिल में लिखी हुई चीजों को आप क्या करोगे कैरी फॉरवर्ड करोगे तो कहने का मतलब कि भैया मेरा नाम रविचंद्रा है अब यह बात कैसे पता चलेगा मेरे आधार कार्ड से मेरे यू नो वोटर आई कार्ड से उसके अलावा और भी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं तो कहने का मतलब विल है मेरा मेरी बसीहत है मैंने बोला मेरे बस में कि मेरा बेटा जो होगा या मेरी जो बच्ची होगी वो इसको एग्जीक्यूट करेगी और अपने बच्चों अपने भाइयों बहनों में इसको बराबर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी पर कोर्ट इस बात को नहीं मानेगा कोर्ट कहेगा कि तुम मुझसे आकर लाइसेंस लो मुझे प्रूफ करो कि ये बातें सही लिखी हुई है समथिंग दैट इज रिटर्न इन द यू नो विल ऑफ द डिसीज पर्सन जो मर गया उनके बिल में जो बातें लिखी है आप हमसे आकर तैयार करवाओ हमसे आकर अप्रूवल लो अप्रूव करो कि सारी चीजें सही है अगर हमने ग्रांट कर दी आपको हमने अगर आपको ठप्पा लगाकर दे दिया कि हाँ आप ही का बिल है आप ही रविचंद्रा हो तो आप हो तो इसी इसी मेथड को प्रोवेट कहते हैं प्रोवेट इज लाइक अ ज्यूडिशियल प्रोसेस जहां पे एक बिल को लीगलाइज किया जाता है इन द आइज ऑफ द कोर्ट इन द आइज ऑफ द लॉ वो बिल एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो जाती है ये हो गया प्रोवेट का मतलब समझ लो प्रोवेट का मतलब क्या हुआ तो इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें प्रोवेट में तो इज द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो इंसान बिल की बात करेगा अगर आप पिटिशनर हो तो आप विल 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 की बात करोगे यू डिस्कस अबाउट द ऑफ अ पर्सन इंपॉर्टेंट क्या है कि कोर्ट से अप्रूवल लोगे अगर आप एग्जीक्यूटर हो तो जा सकते हो अगर आपका नाम बिल में लिखा हुआ है तो ही आप जा सकते हो प्रोवेशन के लिए अगर आपका नाम बिल में नहीं लिखा हुआ है सो यू कैन नॉट गो फॉर प्रोवेशन आप प्रोवेट के लिए नहीं जा सकते अरे यार प्रोबेट में मैंने क्या बोला कि मैं रविचंद्रा हूं इसी का अप्रूवल लेने जा रहा हूं ना मेरा नाम ही नहीं लिखा हुआ है तो मैं कैसे जाकर कोर्ट से लूंगा प्रोवेट प्रोवेट का ऑर्डर या फिर वो प्रोवेट का सिस्टम कैसे होगा सो so, प्रोवेट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका नाम उस एग्जिट उस नो बिल में वो जो बसी है तो उसमें लिखी होनी चाहिए तभी आप जाकर कोर्ट को कि सर देखिए मेरा नाम लिखा है अब मुझे आप प्रोवेट ग्रांट कर दीजिए ताकि मैं इस चीज को एग्जीक्यूट कर सकूं अपने भाइयों बहनों में पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकूं ऑल टुगेदर बात को बुझ गए अरे बूझे कि नहीं बुझे? बुझते हो ना तो लिखा करो कमेंट में कि यार रवि भाई समझ गई आपकी बात आगे समझेंगे इसी में कहता है कि बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ ज्यूडिशियल प्रोसीजर थ्रू विच द वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ अ बिल मैंने बार बार बोला वैलिडिटी आपका नाम वैलिडिटी की हम बात करेंगे ऑथेंटिसिटी ऑफ अ बिल इज डिटरमाइंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ

उसको उस उसने जो भी ऑथोराइज कर रखा है वो आपको से सर्टिफिकेशन मिल जाता है का, कि समझ इसका मतलब या फिर कोई कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल दस पंद्रह लोग आके कह रहे मेरी कंपनी के थे कुछ ऐसा था नहीं यू कैन नॉट फॉर्म एन एक्सेस फॉर दैट क्योंकि वहां पर लिखा हुआ नहीं है ना आपका नाम अगर ऐसा नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी वो ग्रांट करेगी आपको ऑर्डर फिर आप जा सकते हो सो सेक्शन टू ऐसा कहता है प्रोबेट का मतलब समझ गया आप अरे समझ गए कि मैं आपको लीगलिट नहीं समझाता मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ प्रॉपर देसी लैंग्वेज में आगे समझेंगे लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आगे समझिए लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है अब बात को समझिए मैं मैंने अपने बिल में लिख दी कि मेरा जो बच्चा होगा उसमें बच्चे होंगे उनमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर आ, मेरी जो पत्नी होगी उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये लिख दिया आपने ये लोग गए क्लेम किया इन्होंने ठीक है एग्जीक्यूटर इन्होंने क्लेम करा आपने लिख दिया कि मेरा बेटा जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा सारे चीजों को आगे देखेगा देख वो करेगा ठीक है आपने लिख दिया फेयर इनअ पर अगर आपने नाम नहीं लिखा है आपने किसी भी एग्जीक्यूटर का नाम नहीं लिखा है पर बिल है अभी तक मैं कह रहा हूं kind of मेरे, मेरे प्रोवेट ग्रांट करो कोई कह सकता है क्या अगर मेरा नाम ही नहीं पता है मुझे तो मैं कैसे बोलूंगा कि मेरा नाम है रविचंद्र और मुझे जाकर आप ग्रांट कर दीजिए ऑथोराइज कर दीजिए नहीं कह सकते तो बिल में अगर आपका नाम नहीं लिखा हुआ और अगर आप जाके कोर्ट से ऑर्डर ले रहे हो कि सर मैं बेटा हूं या मैं बेटी हूं या मैं उनकी पत्नी हूं और मैं इसके वसीयत को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं या चाहती हूं जो भी है तो आप उनसे लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मांगोगे कि सर मुझे प्रशासनिक तरीके का आगे फॉरवर्ड करने के लिए एक पत्र जो है वो अलाउ किया जाए मतलब आप यू वर नॉट ग्रांटिंग द प्रोवेट टू मी बेसिकली यू विल बी फाइलिंग फॉर लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पहला मुद्दा बिल में अगर नाम नहीं लिखा है अगर आपने बिल ही नहीं बनाया है अगर आपने बिल ही नहीं बनाया है बिल no और इंटरस्टेट अगर आपने कोई बिल ही नहीं बनाया उसको लीगल भाषा में इंटरस्टेट बोलते हैं तो भी आप लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही जाकर मांगोगे उनके प्रॉपर्टी पे क्लेम करने के लिए तो दो केसेज इंपॉर्टेंट अगर है और आपने नाम नहीं लिखा है तो भी लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और बनाया ही नहीं है आपने कोई बसीहत तो भी लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तीसरा चीज जो यहां पर नहीं लिखा हुआ ऐसे समझिए कि मान लीजिए नाम लिखा हुआ था मेरा कि मेरे बच्चे मेरी पत्नी ऐसे फॉरवर्ड करेगी पर मैं खुद ही जिसका एग्जीक्यूटर का नाम लिखा वो खुद ही डेथ कर जाता है या खुद ही वो कहता है कि नहीं मैं नहीं एग्जीक्यूट करूंगा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा मेरे लिए नो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं अपने बच्चों में कुछ बाइफर्केशन करूं एंड एंड ऑल ऑल तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अगर एग्जीक्यूटर खुद ही बैकफुट पर चला जाता है खुद ही वापस ले लेता है तो जो दूसरा क्लेम करने वाला है जो भी उसका लीगल हेयर है वो लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेगा बात को समझ रहे आप सेक्शन टू हंड्रेड थर्टीन वन कहता है इसके इंडियन सक्सेशन एक्ट का दैट इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एवरी लेगेटी और एग्जीक्यूटर चाहे आप एग्जीक्यूटर की बात करो लेगेटी की बात करो टू ओवरटेन प्रोवेट ऑफ द बिल और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद द बिल बिफोर दे ट्राई टू एग्जीक्यूट अ बिल एंड अदरवाइज एन एग्जीक्यूटर लेगेटी कैनोट एक क्या कह रहा है सेक्शन दो सौ तेरह ऐसा समझ लो ना सिंपल कि क्या मैंडेटरी है तो कहता है कि हाँ सेक्शन 213 सौ बनाता है हर लेगल क्लेम जो लेगल क्लेम करने वाला है जो एग्जीक्यूटर है कि आप या तो प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जाकर कोर्ट से ले लो अब ये क्यों होता है अगर आप नहीं लोगे ना तो आपका क्लेम मानेगा ही नहीं बाद में अगर कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है बसीहत से रिलेटेड तो बात को बुझ गए मतलब सिंपल शब्दों में देखो देसी अंदाज में समझो एन द लेगेटी कैन ओनली परफॉर्म टेस्टामेंटली ऑपरेशन मतलब जो भी टेस्टामेंट्स आपको दिया गया है बिल में उसको कैरी फॉरवर्ड आप तभी कर सकते हो जो भी आपको रोल्स प्ले किया गया तभी कर सकते हो जब आपने सारी चीजों को जो है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोबेट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा किया होगा इतना समझ में आ गया समझ में आ गया होगा आई होप एक और इसमें कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सक्सेशन सर्टिफिकेट अब देखिए सक्सेशन सर्टिफिकेट थोड़ा सा नॉर्मल है उससे इसका एरिना जो है ना वो कम है लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एरिना बड़ा है प्रोवेट का एरिना बड़ा है पर सक्सेशन सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट का, का गा, 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 गा जो एरिना है वो बहुत ही छोटा है कैसे कह रहा हूं मैं ये जो टॉप ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये कहता है कि अगर आपके डिसीज पर्सन की अगर आप हेयर हो लीगल हेयर हो या तो फिर तो जो भी हो आप अगर इफ यू आर क्लेमिंग फॉर दैट तो इस केस में हम आपके राइट्स

डिसीज पर्सन का है कर्ज है उसके सिक्योरिटीज हैं कुछ इन्वेस्टमेंट है मान लीजिए या फिर किसी को कर्ज यू नो उसने उसने देना है, या किसी से उसको कर्ज मिलने वाला है तब मान लो मुझे कर्ज किसी को देना है और जिसको देना है वो मर गया तो अब किसको दूंगा मैं पर मुझे कर्ज तो देना है ना अगर नहीं दूंगा कोई लीगल डॉक्यूमेंट होगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसका बेटा उसके बच्चे क्या करेंगे जाकर कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट ले लेंगे कि सर अब पैसा मुझ तक आएगा मेरे माँ बाप हैं जो भी वो डेथ कर गए हैं तो मैं अब मैं सिक्योर हो गया कि यार मुझे कैसे किसको पेमेंट करना है उनके बच्चे को वो हो गया सक्सेशन सर्टिफिकेट जो उसके बच्चे को मिला कोर्ट से सो इट बेसिकली इट्स लाइक अ बेसिकलीट डॉक्यूमेंट दैट दैट द राइट टू इनहेरिट डेट एंड सिक्योरिटीज ऑफ द ऑफल हेयर डिसीज डाइड इंटरस्टेट मतलब बिना बसीहत बताए बनाए कोई मर जाता है तो उसके जो डेट्स और सिक्योरिटीज की बात होगी वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के अंदर आएगा तो बेसिकली सक्सेशन सर्टिफिकेट इज हेल्पफुल

सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आप इसके ऊपर पढ़ लीजिएगा पॉज करके फिर मैं आपको बता देता हूं क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सक्सेशन सर्टिफिकेट का जो मतलब होगा मेनली वो इसीलिए होगा कि जो इज टू फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ डेट्स ऑन सक्सेशन एंड अफोर्ड प्रोटेक्शन टू पार्टीज डेट देने वाले हैं जो कर्ज देने वाले हैं ना मतलब जो कर्ज जो डेटर से कर्जदार हैं उनको पैसे देने हैं और वो आदमी मर गया जिसको देने थे तो उनके बच्चे जो भी हैं जिनको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उसको देना पड़ेगा ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट में कह रखा है पर किसी भी तरीके से उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं जो मैंने आपको दो टॉपिक्स में बताया एलोए में और यू नो पैरोट पे, में उसमें उसमें ये बात चीज प्रोबेट में उसमें चीज डील नहीं होगी मैंने आपको समझा दिया तो सक्सेशन सर्टिफिकेट का एरिया थोड़ा सा छोटा इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा जो मैंने आपको बोला अभी तक सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली वो मैंने बोला वहां पे लिखा हुआ है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट इज इंटेंडेड इंटेंडेड एज नोटेड एवप टू प्रोटेक्ट द डेटर्स कर्जदारों को विच मींस दैट वेयर अ डेटर पर्सन इधर वॉलेंट्री पेज इज डेट और अ पर्सन होल्डिंग अ सर्टिफिकेट अंडर द एक्ट जो भी चीजें वो आप इसमें समझ रहे हो ठीक है समझ गए हो कितना अब आगे चलते हैं फॉर्मेट पे चलिए अब अपन बात करेंगे फॉर्मेट पे सबसे पहला फॉर्मेट है कि ग्रांट ऑफ प्रोवेट कैसे होता है पिटीशन फॉर ग्रांट ऑफ प्रोवेट मैंने आपको पहले भी बताया इसके पहले भी जब मैं आपसे डील कर रहा था पिछले टॉपिक में तो भी मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले ऊपर लिखना कि पिटीशन फॉर यू नो रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिग्री ऑफ डिवोर्स बताया था अभी यहां पे क्या लिखोगे पिटीशन फॉर ग्रांट ऑफ पेरोट सर पेरोट नहीं प्रोबेट बार बार ये पेरोट बोल दे रहा हूं इसको माइंड मत करेगा प्रोबेट है ये पिटीशन फॉर ग्रांट ऑफ प्रोबेट प्रोबेट का डिफिनीशन वगैरह सब समझा दिया तीनों का टर्म सबसे पहले आप क्या जाओगे कि सर मुझे ना प्रोबेट का ग्रांट लिखना है इसके लिए पिटिशन देना है आपके आपने कौन दे रहे हैं एडवोकेट आपके मैंने आपको पहले ही बोला ई जे एम आर आई वी सब यूज नहीं होगा पहले ही बता रहा हूँ वो सिर्फ अपीडफिट में यूज होगा ठीक है आगे सबसे ऊपर में आपने लिखा पिटीशन फॉर ग्रांट ऑफ प्रोबेट आपके पेपर में भी ऐसे ही लिखना है जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूं सेम चीज वहां लिखनी है बुद्धिमत लगाना ज्यादा कि सर अच्छा कुछ रवि भाई ऐसे बताया था तो ऐसा कर दिया था नहीं ऐसे नहीं जो बता रहा हूँ वही चीज लिखनी है को एक आय जस्ट सर्चिंग ग्रुप जिसमें लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले साल की कोई कॉपी मिल जाए कैसे लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है आपने लिखा पिटिशन फॉर ग्रांट ऑफ प्रोबेट उसके नीचे लिखोगे पे प्रोबेट का ग्रांट कहां मांग रहे हो आप इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली इन कोर्ट ऑफ कलकत्ता एट नो कलकत्ता इन कोर्ट ऑफ जो भी है जहां भी है वहां पे आप लिखोगे केसेस में जो आपका दिया हुआ है उसके बेसिस पे आप लिखोगे कहां पे हाई कोर्ट में उसके नीचे लिखोगे टेस्टामेंटरी एंड इंटी एस्टेट जोरिस्डिक्शन जहां पे बिल वगैरह का जो रिलेटेड जोरिस्डिक्शन होता है अगर बिल का जोरिस्डिक्शन है बिल नहीं बना है तो जोरिस्डिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करें अपन तो नीचे लिखने से मैंने आपको बोला था ना फैमिली कोर्ट प्रिंसिपल जज पहले वाले, वाले वीडियो में उस तरीके से यहां लिखेंगे इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली उसके नीचे टेस्टामेंट्री एंड इंटेस्टेड ज्यूरिस्डिक्शन मतलब आपने ज्यूरिस्डिक्शन की बात कर ली आपको ज्यूरिस्डिक्शन का नॉलेज है कि जो मैं केस फाइल कर रहा हूं वो उसके ज्यूरिस्डिक्शन में आती है पहले बता रहा हूं कहां फाइल करना जहां पे जो बंदा डेथ किया है वो लास्ट डिसाइडिंग होगा परमानेंट रिसाइडिंग होगा या लास्ट रिसाइडिंग होगा वहां पर फाइल करना ज्यादा उचित माना जाता है वही उसके ज्यूरिस्डिक्शन में वो अच्छी आएंगी हम मान लो जो पटना का बिहार का आदमी था उसके फादर दिल्ली में मर गए तो ये थोड़ी ना होगा दिल्ली में नहीं पटना का लिविंग उसका है तो वहां करेंगे पर वो परमानेंट अगर उसका दिल्ली में है उसका जमीन पटना में तो पटना में नहीं करोगे आप दिल्ली में ही करोगे उस चीज़ को फाइल भले ही उसका जमीन पटना में है पर परमानेंट रिसाइडिंग उसका कहां था दिल्ली में ज़मीन अपने जहां दुनिया में कहीं खरीद रखी हो उसे फर्क नहीं पड़ता पर अगर कोई पटना का आदमी एम से मर जाता है तो थोड़े दिल्ली में भर लेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा आप पटना में ही करोगे ना ये चीज़ के लिए आगे दिखेंगे प्रोबेट केस नंबर आपको मिलेगा जो भी है उसके नीचे मैंने पहले बताया था इंद्रिया इन द मैटर ऑफ इन द मैटर ऑफ क्या किसके मैटर में द ये स्टेट स्टेट की बात करेंगे द स्टेट ऑफ लेट नाम लिखना है जो इंसान डेथ करके उनका नाम उनके बारे में लिखेंगे उनके इन द मैटर ऑफ उसके नीचे लिखेंगे इन द मैटर ऑफ क्या अपना नाम सन ऑफ जो deceased, uh, deceased है रेजिडेंट ऑफ जो भी है और जहां पर रेजिडेंट ऑफ खत्म होता है मैंने भी बोला था तभी एप्लीकेंट या पिटिशनर और वर्सेज अ स्टेट ऑफ जो भी है आपका फिर उसके बाद रेस्पॉन्डेंट का जो नाम है मान लीजिए या फिर जिसके भी रेस्पोंडेंट आप बना रहे हो

कई बार आ, कोई चीज़ सेंड करते हो किसी को नो मान लीजिए कोई कई बार आ, कुरियर वगैरह करते हैं तो उसमें देखते हो कि ऊपर में एक छोटा सा वाइट पेज रहता है उसमें नाम और पता दिखते रहता है बस नाम और पता दिख रहा है आपका अब उसके अंदर ये सेम चीज़ वापस लिखी होती है नाम और पता टू द यू नो एंड ऑल एंड ऑल पर जो एड्रेस होती है वो ऊपर में थोड़ी सी दिखती रहती है ये जो थोड़ा सा है ना ये वही है ये ऊपर में दिखेगा ड्राफ्टिंग में उसको मैटर दिख गया चाहे अच्छा ग्रांट ऑफ प्रोबेट का खेच प्रोबेट वाले में फेंक दो अच्छा उस वाले में फेंक दो यही चीज़ है अब बात ही आप बाकी जो आप एक्चुअल जी स्टार्ट कर रहे हो वहां से कर रहे हो यहां से पिटिशन फॉर ग्रांट ऑफ प्रोबेट टू कैसे करेंगे टू किसको लिख रहे हो किससे उम्मीद कर रहे हो आप टू द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस चीफ जस्टिस जो भी हैं जिस भी कोर्ट की बात कर रहे हो आप इन एंड हिज कंपेनियन जस्टिस ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट इतना लिखा आपने सिंपल लिखिएगा टू द ऑनरेबल जस्टिस वट एवर नेम अगर आपको पता है तो लिखिए ठीक है एडवोकेट को तो पता चल जाता है वैसे चीफ जस्टिस एंड हिज कंपेनियन जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट उसके नीचे लिखेंगे मोस्ट मैंने आपको की बात पहले ही बताई थी इट्स लाइक हम्बल रिक्वेस्ट पैराग्राफ देना इंपॉर्टेंट है पहला para, पैराग्राफ para, में क्या लिखोगे पहले ही मैंने बोला कि पहले पैराग्राफ में आप लिखोगे जो भी आप फाइल कर रहे हो उससे रिलेटेड कुछ इसमें क्या लिखोगे दैट द प्रेजेंट पिटीशन जो भी पिटीशन आप फाइल कर रहे हो ना इज फाइल्ड बाय द पिटिशनर फॉर द ग्रांट ऑफ प्रोवेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ लेट श्री आपके डेथ हैं उनका नाम लिखोगे सन ऑफ जिनके वो बेटे थे एट द टाइम ऑफ हिज डेथ कहां पे उनकी डेथ हुई और कहां पे वो रह रहे थे एट द डेट ऑफ हिज टाइम ऑन मतलब एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ऑन दो हजार बीस दो हजार बाईस दिसाइडिंग एट पालम नई दिल्ली जो भी आप उसको लिखोगे पहले चीज में मतलब पहला पैराग्राफ लिखा क्या आपने कि मैं जो पिटिशन फाइल कर रहा हूं ना वो किसके लिए कर रहा हूं जो डिसीज हैं जिनका नाम है उनके भी, उनके लिए कर रहा हूं वो उनके बेटे थे और वो कब मर गए इतने तारीख को कहां मर गए वो लिखोगे आप उनकी डेथ हो गई मतलब इसको मर गए उसको मत लीजिएगा मतलब मैं डेथ की बात करूं सिंपली सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखोगे सेकेंड पैराग्राफ में बताना है आपको थोड़ी सी अच्छी चीज ज्ञान देनी है आपको डेथ से पहले डिसनर स्पेसिफाइड इन हिज लास्ट एंड फाइनल टेस्टामेंट और बिल डेटेड किस दिन के बिल बनाई हुई वो लिखना बीच वॉज मेड बाई हिम इन द साउंड स्टेट ऑफ माइंड

या उस महीने ट्रांसफर करने की बात करी उन्होंने जो उन्होंने बिल में बताया हुआ है और वो बिल जिस तारीख को बना जिसका एक ओरिजिनल बिल जो है उसका एक उसकाचर वन में मैंने सबमिट किया हुआ है बात को बुझे थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे आप थर्ड पैराग्राफ में दैट द सेड बिल वाज ड्यूली मेड बाय द डिस अगर आपने सेकंड में क्लेम करा है कि उन्हीं का बिल है तो थर्ड में लिखोगे ना कि हां दैट द सेड बिल बस ड्यूली मेड बाय द इन प्रेजेंस ऑफ द वो बिट उन डिस का नाम लिखोगे जिसको आप बाद में लिखने वाले लास्ट में दो बिटनेसेस होने चाहिए नेम्स एंड सिग्नेचर्स एट द एंड ऑफ द विल जिनके भी बिल में लास्ट में जैसे बेटा बेटी बिटनेस था उनका सिग्नेचर है उनके सामने चीज किया गया था यह बात आप थर्ड पैराग्राफ में लिखोगे फोर्थ पैराग्राफ में क्या लिखेंगे दैट बाय वर्च्यू ऑफ द सेड बिल इस बिल के अकॉर्डिंगली द डिसीज हैज बी क्वेटेड अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने ट्रांसफर करा किसके नाम पे बच्चों के नाम पे कौन कौन बच्चों के नाम पे दोनों बच्चों का नाम लिख दीजिए आप एंड जो इंडिविजुअल शेयर है वो कैसे किया वो भी लिखिएगा इंडिविजुअल शेयर भी लिखिएगा एंड ऑल्सो मेंशन वेदर ही हैज एक्सक्लूडेड एनी ऑफ द लीगल हेयर्स फ्रॉम द बिल और नॉट आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि तीन बच्चे हैं दो को देना है को नहीं देना ये भी लिखना पैराग्राफ फोर में पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन लिखिए उनके रिलेटिव का मतलब उनके पत्नी का नाम उनके अपने बच्चों आप आप, आप और अपने भाई बहनों का नाम लिखिए उनके कोई भाई है उनका नाम लिखिए उनके माँ बाप का अगर चाहो मतलब रिलेटिव्स का माँ बाप का तो नहीं पर पढ़ा चार पांच लोगों का नाम रिलेटिव्स के रूप में लिख दीजिए पैराग्राफ सिक्स इंपॉर्टेंट है दैट द अमाउंट ऑफ द एसेट्स ऑफ द डिसीज बीच आर लाइकली टू कम टू द हैंड्स ऑफ द पिटिशनर आर लिस्ट डिटेल्ड इन शेड्यूल बन मतलब

कि आपके आपको इतना पैसा मिलने वाला है इतना प्रॉपर्टी मिलने वाला है और सारे एसेट ऑफ लाइबिलिटी को कम जो कि उस स्टेट का है उसको एक्सेप्ट करते हैं अपने बेस्ट ऑफ द में उसको एक्सेप्ट करता हूं हैंडल करूंगा पैराग्राफ सेवन में क्या लिखना है स्टेट so no जो भी आपने बोल दिया जिसकी एफिडेविट आप दे रहे हो जिसका क्लेम करा उसके अलावा आपको पता है आपके नॉलेज में जहां तक आपके दिमाग में है आप यह ऐसे करते हैं और आप अवेयर हैं कि कोई और प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में नहीं छूट गया क्योंकि जब आप प्रोवेट होना यार आप एग्जीक्यूटर हो और आपने कोई चीज़ छुपा ली मान लो कि नहीं उस प्रॉपर्टी को छुपा लेते हैं मान लीजिए और उसके बारे में बताएंगे नहीं किसी को वो बाद में हमारा अपना हो जाएगा तो ये फिर आपके ऊपर लीगल क्लेम हो जाएगा बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी तो आपको लिखना है कि मेरे नॉलेज में जहाँ तक मुझे पता है कोई ऐसा लीगल प्रॉपर्टी है वो छूट नहीं रहा है सारी चीज़ें उसमें ऐड हो गई है पैराग्राफ पैराग्राफेट में क्या लिखेंगे

That there देर इज़ नो impediment to टू द ग्रांट ऑफ in इन फेवर the petitioner. मतलब कहीं से भी कोई लीगल इशू नहीं बनता है कोई लीगल इंपेडमेंट मतलब कि वो रोड़ा आया, पत्थर बोलते हैं ना कि मेरे को सर मिलने वाला जो ग्रांट है जो अभी आप प्रोबेट देने वाले उसमें कोई मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है इसलिए मुझे मिलना चाहिए क्योंकि अगर आप मान लो पैसा होगा कि आप लीगल हीर ही नहीं हो एग्जीक्यूटर ही नहीं हो और आप जाकर क्लेम कर रहे हो और पैराग्राफ टेन लिख दिया है आपने मतलब नाइन तो कैसे मिलेगा यार आप तो लीगल इम्पेडमेंट होगा ना आपको तो मिलना ही नहीं चाहिए तो आपको लीगल देर इज नो लीगल इम्पेडमेंट मतलब कि आपको नहीं दिक्कत है कुछ कोई आपको रोकने वाला नहीं है

जो प्रोबेट के लिए मैं क्लेम कर रहा हूं क्योंकि मेरा नाम उसमें एग्जीक्यूटर के रूप में लिखा हुआ है उस बिल में पैराग्राफ बारह एनी अदर कोर्ट फॉर द द ऑफ बिल सेम चीज के लिए किसी और जगह पर आपने कुछ ऐसा मतलब जो है वो प्रोबेट वगैरह के लिए आपने फाइल नहीं किया हुआ है और तेरह अबोर्ड विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द दबल कोर्ट द रिमुवेबल प्रॉपर्टी

समझ में आ गया इतना आपको याद रखना है जो चीजें मैंने आपको बताई जो पैराग्राफ बताया एक बार दिमाग में रख लीजिएगा प्रेयर में क्या लिखेंगे आप वही सेम चीज इट इज देर फॉर मोस्ट हमली प्रेयर दैट द प्रोबेट ग्रांट होना चाहिए और कोई अगर रिलीफ जो कोर्ट को लगता है वो दीजिए कोई दिक्कत नहीं है पहले भी आपको मैंने बताया उसके अलावा पिटिशनर थ्रू द काउंसिल जो भी आपने लिखी है वो सब नाम अब आगे आपको लिखना है एक वेरिफिकेशन का वो सेम चीज मैं पिटिशनर हो आप पहले भी आपको मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में सन ऑफ यहाँ रेजिडेंट ऑफ यहाँ जो पिटिशन है वो मेरे को इतना इतना पैराग्राफ तो कंप्लीट पता है और सारे इन्फॉर्मेशन मैं कंप्लीटली अपने तरीके से देता हूँ वेरिफिकेशन का डेट और प्लेस दो बिटनेसेस का होगा जिस बिटनेस अवे बिटनेसेस कौन है वो बिटनेसेस वो हैं जिनका नाम लिखा हुआ है कि बिल जब हो रहा था ना बिल बना रहा था ना बस ये वो बंदा तो मेरे सामने बनाया गया था मैं बिटनेस था उनका वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे बिटनेस नंबर वन बिटनेस नंबर टू और अफीड आपको पता है कैसे बनाना है जो फीड़ फीड़ का फॉर्मेट उधर बनाया था वही एफिडेफिट का फॉर्मेट यहाँ भी बनाना है थोड़ा बहुत चेंज कर लेना जहाँ पे मेट्रीमोनियल डिस्प्यूट था वहाँ पे सब डिस्प्यूट लगा देना ग्रांट ऑफ प्रोबेट है मैं ये सब बातों को मानता हूँ कि मुझे सब पता है मैं कोई फ्रॉड वगैरह नहीं कर रहा हूँ सारी चीज़ें मुझे अच्छे से पता है अगर कुछ होगा तो मान लीजिए मेरे साथ दिक... कोई फ्रॉड वगैरह का मैं करता हूँ तो मुझे मेरे साथ होने चाहिए लीगल एक्शन बाद में उसके लिए मैं तैयार हूँ ये हो गया आपका एफिडेफिट का कॉन्सेप्ट ऐसे होती है प्रोबेट के ग्राफ्टिंग कोर्ट से आप मांग रहे हो कि मुझे अधिकार दे दो कि मेरे जो डिसीज uh, पर्सन है उसका जो भी पैसा है जो भी एग्जीक्यूटिंग का सिस्टम है जो भी उसका बिल है उसको मैं एग्जीक्यूट कर सकूं बात को बूझ गए पता है आप लोगों के रात के एक बजे वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है मतलब मैं लिटरली बिना पानी वानी पिए रिकॉर्ड करता हूँ चालीस मिनट पचास मिनट एक घंटे तक एंड दैट इज़ वाई ऑलवेज एक्सपेक्ट अ मोनिटरी सपोर्ट फ्रॉम यू क्योंकि मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ इसी वजह से अगर रिफर्ट नहीं करता कभी नहीं करता हाँ वैसे आप लोगों का इतना प्यार मिलता है कि फिर उसके बाद बोलने का इच्छा नहीं होता खैर थैंक यू सो मच आप लोग इतना सपोर्ट इतना सपोर्ट करते हो इवन मैं देख रहा हूँ लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा आता है दैट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ यू यार डेफिनेटली अच्छा लगता है देख कर ठीक है फिर भी लेट इट भी स्टार्ट करते हैं दूसरे टॉपिक को अब आपने प्रोबेट मिल गया बात बची लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी चेंज नहीं करना है सब कुछ सेम रहेगा एक्सेप्ट वन चीज लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप कहां से मिलोगे आपको कहां से लोगे आप जाकर इन द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट नहीं जाओगे आप इन द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट जज से कहा जाकर कहोगे कि सर मुझे ग्रांट कर दिया जाए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ताकि मैं क्योंकि लीगल हैरू मेरा नाम नहीं लिखा हुआ है वहां पर अगर लिखा हुआ है तो मैंने आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का तीन क्वेश्चन बताया ना कि बिल में बिल ही नहीं बनाया हो बिल में नाम लिखा हुआ है आपका या फिर आप मर गए आप नहीं कर पा रहे एग्जीक्यूट या फिर एक और जो चीज बताई थी आपको मैंने तो सारी चीजें याद ना, लेटर लेटर ऑफ में जारी की जा, जाती है आप इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाकर ये चीज़ें बोलोगे कोई इसमें, कोई इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है सेम चीज़ें ऑलमोस्ट सब जगह होगी सब सेम चीजें सेम पेयर सेम वेरिफिकेशन देर इज नथिंग एट ऑल टू चेंज कि मेरे सामने बिटनेस लिखा गया था भले मेरा नाम एग्जीक्यूशन में नहीं लिखा गया पर मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ या फिर एग्जीक्यूटर भाग गया यू नो एग्जीक्यूटर की जगह मैं मैं एग्जीक्यूटर मानूंगा क्योंकि एग्जीक्यूटर नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा हुआ वापस में इसलिए नहीं कर रहा है ठीक है या फिर कोई बिल ही नहीं बनाया कोई कोई बसियत ही नहीं बनाई ये तीन ग्राउंड्स बताए ना मैंने आपको लेटर ऑफ लेटर सॉरी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को इशू करने का तो देर इज नथिंग टू तो चेंज बस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर दीजिएगा हाई कोर्ट की जगह पे बात सब कुछ सेम रहेगा जो तीसरा मुद्दा है उसको एक बार देख लेते हैं सेम चीज़ें हैं बिल्कुल वहां पे कोई इशू नहीं है सच सक्सेशन सर्टिफिकेट आप के साथ इशू करना है आपको लिखना है पेपर में अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन के साथ प्रूफ कर देंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट थोड़ा सा ज्यादा आसान है सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में समझ लेते हैं कहता है सबसे ऊपर क्या लिखेंगे पिटिशन फॉर द ग्रांट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट इन द कोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल जज थोड़ा सा चेंज याद रखिएगा एक में आपने लिखा इन द हाई कोर्ट उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल जज आप अपना वो याद रखो अगर एग्जाम में याद नहीं आ रहा ना कि इसमें क्या बोला रहे याद रखना कि रवि ने बताया था कि सबसे पहले आपको प्रो, प्रोबेट मिलेगा तो उसमें हाईकोर्ट की बात करी थी उसके बाद आपको लेटर ऑफ उद्म, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी तो उसने उस बंदे ने डिस्ट्रिक्ट जज बताया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके लास्ट वाले में उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल जज बताया था सब कुछ सेम रहेगा इन द मैटर ऑफ जो भी है स्टेट वगैरह सो भी सब कुछ चीज़ें हैं बस आप नीचे जब लिखोगे ना पिटीशन फॉर द ग्रांट ऑफ सक्सेशन ऑफ सर्टिफिकेट सक्सेशन सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ वट गुड्स डेट सिक्योरिटीज किसके किसके रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया सक्सेशन सर्टिफिकेट कहां कहां इशू की जाती है वो डेट हो गया सिक्योरिटी हो गया लोन हो गया बैंक पेमेंट हो गया जो भी है अंडर द ऑफ द डिसीज उसका नाम लिख दीजिएगा जो इंसान जिसके बारे में आप बात कर रहे हो अंडर सेक्शन थ्री सेवेंटी टू ऑफ इंडिया इसमें दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है क्या क्या पैराग्राफ वन में लिखोगे कि दैट द एव ने जिस बंदे की आप बात कर रहे हो जो जिनकी डेथ हुई है वो इतने तारीखों इतने बजे यहां मर गए ये बातें लिखोगे आप बस इतना जिस बंदे के बारे में मैं बात कर रहा हूं जिनके पिटिशन जिनके रिस्पेक्ट में पिटिशन कर रहा हूं जिनके पैसे जिनको जिनके लिए जिनके प्रॉपर्टी के ऊपर सक्सेशन या फिर लोन्स वगैरह के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट का डिमांड कर रहा हूं वो यहां के रहने वाले थे इतने तारीख को इतने बजे यहां मर गए पैराग्राफ सेकेंड मर गया मैं थोड़ा सा आपको लग रहा हूं कि बड़ा गलत वे में बोल रहा पर उसको माइंड मत करिए मेरा कहने का मुद्दा यह है कि वो इंसान डेथ हो गया उसके उनकी मृत्यु हो गई चलिए इतनी हिंदी में बात कर लेते हैं पैराग्राफ सेकेंड दैट द सेड डिसीज जिसकी इंसान की बात करें जिस जिस यू नो मृतक की हम बात कर रहे हैं डाइड इंटेस्टेट उसने बिल नहीं बनाया और बिना बिल बनाए उनकी डेथ हो गई है एंड दैट ड्यू एंडलीजेंट सर्च हैज बीन मेड फॉर अ बिल पर नहीं मिला मैंने घर में बहुत ढूंढा मतलब हम लोग ब्रिटिशनर ने घर में बहुत कुछ ढूंढा पर नहीं मिला यानी कि कोई बिल बिना बनाए उनकी डेथ हो चुकी है सेकेंड में थर्ड में जो दैट डिसीज नेम्ड एवोब हेयर इन आफ्टर रेफर टू बिंग द सेट डिसीज लाइफ टाइम अपना उन्होंने यहाँ पे रह, रह रहे थे यहाँ पे उनका घर था यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी थी एक हिंदू थे सिटीजन थे जो भी था वो आप लिखोगे रूल्ड बाय दयाभंग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ और तमिल स्कूल ऑफ हिंदू लॉ आपको पढ़ाया गया है फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब जिस इंसान की बात कर रहे हो वो सब दिन हिंदू थे इस स्कूल दयाभंग स्कूल ऑफ हिंदू ला से वो गवर्न किए जाते थे सब दिन और उन इन, उनका परमानेंट रेसिडेंस था वो लिखोगे आप इस कोर्ट के ज्यूरोजिक्शन में आता है ये कहने का मुद्दा हुआ मतलब अगर क्लेम कर रहे हो कि पटना हाई कोर्ट में आती है पत, मतलब पटना एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल कोर्ट में आती है जज में आती है तो लिखना पड़ेगा ना कि इस कोर्ट में आता है जोरोक्शन की बात हुई थर्ड में पैराग्राफ फोर द एट द टाइम ऑफ डेथ द टाइम ऑफ डेथ लेफ्ट हिम सर्वाइविंग ओनली नेक्स्ट ऑफ किन अकॉर्डिंग टू कौन कौन है मतलब आपको फोर्थ पैराग्राफ में लिखना है कि जब उनकी डेथ हो रही थी उनके दो बच्चे एक पत्नी रह गई है विधवा दो बच्चे ये बात लिखोगे आप अगर पत्नी नहीं है तो दो बच्चे लिखोगे आप जो उनके बाद बच गए सर्वाइवल हैं जिनके ऊपर क्लेम होगी बाद में अरे वही तो बनेंगे ना कौन बनेगा किसको पैसा दोगे कल हमको थोड़ी दोगे अरे हम जिनकी डेथ हुई है उनके बच्चों को ही दोगे ना आप या फिर उनके खिलाफ कोई अगर आपसे क्लेम करो कोर्ट सेटिस्फाई होती है तभी ना पर ये लिखना पड़ेगा अगर उनके बच्चे हैं तो पैराग्राफ फाइव जो पिटिशनर है वो उसका रिलेशनशिप कैसा है डिसीज के साथ भाई मैं अगर बच्चा उनका तो लिखोगे ना कि मैं दैट दिटिश्नर एज अ कैपेसिटी ऑफ द डाउट सन ऑफ द डिसीज क्लेम्स टू बी इंटाइटल टू अ शेयर ऑफ द पैराग्राफ सिक्स ट देर इज नो इंपेडिमेंट वही सेक्शन तीन सौ सत्तर के अंदर कोई इंपेडमेंट नहीं है जो मुझे इस ग्रांट को रोकने से मतलब ग्रांट ऑफ दक्सेशन सर्टिफिकेट को रोकता है समझ रहे हो बात को आगे पैराग्राफ सेवन दिटिशनर ट्रूली सेट फोर्थ शेड्यूल बन है टू दिक्योरिटी इन रेस्पेक्ट जिसके खिलाफ जो जो सिक्योरिटी जो जो डेट की बात करी है आपने जितने भी कर्ज आपके पिताजी ने जो भी आपके लोग हैं जिनको आपको पता है दे रखा है उन सिक्योरिटीज उन डेट की बात आपने करा है, है इतने रुपए का है इतने करोड़ों का है इतना लाखों का है और उसका एक परफॉर्मा आपने लेक्चर वन में ऐड करके रखा हुआ है वो आपने दिया हुआ है बताओगे अरे भैया कितने की सक्सेस सर्टिफिकेट मांग रहे हो वो बताओगे ना कितने का मांग रहे हो लिखोगे इसके अलावा कि ऐसा कोई भी इस चीज से रिगार्डिंग कोई भी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी ऐसा प्रोवेट किसी हाईकोर्ट में किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई एप्लीकेशन अभी तक आपने नहीं किया है मैं एक बात बताऊं यहाँ इस, इसी मुद्दे को मैं बार बार बोलना चाह रहा था जो मैं आगे नहीं बोला था पहले सक्सेशन सर्टिफिकेट देखिए सबसे पहले क्लेम करी जाती है क्योंकि कोर्ट जब सक्सेशन सर्टिफिकेट को मान लेता है ना तो इसके बाद ये मानना आसान हो जाता है कि वो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से निकलवा लेगा क्योंकि सक्सेशन सर्टिफिकेट में आपको मान लिया गया कि आपके पास कर्जदारों के पैसे आएंगे आपको सारा बैंक पेमेंट जो भी इशू है उनका वो सारा रिजॉल्व करना है जब आपने ये मान लिया तो आप फिर जाते हो कि सर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए ताकि उनके एम्पायर को उनकी स्टेट को अपन गवर्न कर सके ये बात होती है ये मुद्दा आठ में लिखना है आपको पैराग्राफ नाइन में कि दैट नो फिर आपने पैराग्राफ एट में लिखा कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोबेट की बात नहीं कर रखी किसी एप्लीकेशन को ही नहीं दे रखा हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाईकोर्ट जो भी है पैराग्राफ नाइन में कि कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट किसी और जगह पे फाइल नहीं किया हुआ है इस मुद्दे का तो मुझे मतलब नहीं समझ आता क्यों लिखना है क्योंकि भाई आप वही फाइल कर सकते हो जहां उसका जोरिस्डिक्शन आएगा कहीं और थोड़ी ना करोगे अब एक जोरिस्डिक्शन में एक ही कोर्ट रहती है मोस्टली

और अगर कोई आपको और कोई चीज लगता है तो आप दीजिए ठीक है कोई सिक्योरिटी एग्जेम हो जाते हैं इसमें थोड़ा सा चेंज था तो थोड़ा सा ही चेंज है कुछ नहीं पहला आपने अपने लिखा कि भैया उनकी डेथ हो गई दूसरे आपने अपने बताया कि हमने ढूंढा नहीं मिला फिर तीसरे पैर आगे चीजें बताई जो भी है उनको इस तरीके से लाइफ टाइम में सब दिन वहां रहे वो हिंदू बाई मैरिज भी थे दैवंग स्कूल थे एंड एंड ऑल ऑल बाद में उनके बारे में बताया कि उनका कैसा रिलेशनशिप था तो कितने बच्चे बच गए नहीं बच गए जो भी चीज आपने बताया ना प्रेयर कर आपने फिर वेरिफिकेशन आपको पता है क्या करना है जो कोर्ट की फी है वो हमने दे दिया है इतने रुपए की अगर फी लगती है वो हमने दे दिया पैराग्राफ में आपने इसकी बात कर ली एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको आया हुआ ड्यू में एक क्वेश्चन है श्री गौरंग पथखवास जिनकी शादी हुई सीमा पाठक से उनकी डेथ हो जाती है उनके दो बच्चे हैं स्वामी क्या नाम है स्वर्णिम और काव्या इतनी तारीख को इतने बजे देखो लिखा हुआ है ना एट द रेजिडेंस ऑफ न्यू दिल्ली कॉलोनी न्यू दिल्ली उनके उनकी पत्नी भी डेथ हो जाती है दो में बाद में उनके उनकी भी डेथ हो दो हज़ार अठारह में अब उनके उनके ज्वेलरी एफ डी है मोबेल प्रॉपर्टी मोबेल प्रॉपर्टी करोड़ों रुपया की है तो कैसे बिल बनेगा कैसे वो स्वर्णिम जो एग्जीक्यूट करेगा प्रोबेट की बात करेगा क्योंकि स्वर्णिम की बात उसमें एग्जीक्यूटर के रूप में हो रखी है स्वर्णिम द सन ऑफ लेट श्री गौरंग पाठक एज द नेम्ड एज एग्जीक्यूटर इन द फादर्स बिल तो आपको बताना है कि बिल कैसे बनाया होगा ड्राफ्ट करिए और स्वर्णिम का जो प्रोवेट का ग्रांट का जो भी ड्राफ्टिंग होगा वो भी करिए सब कुछ सेम देख लीजिए खुद ही आप कुछ है नहीं बताने लगे इसमें इन द मैटर ऑफ द स्टेट ऑफ लेट श्री गौरंग पाठक मैंने बोला नाम लिखा इन द मैटर ऑफ स्वर्णिम पाठक आप जो भी हो आप रिस्पॉन्डेंट में आपकी बहन हो जाएंगी उनके उनके पत्नी हो जाएंगी सीमा पाठक जो हैं उसके अलावा जब रिलेटिव में लिखोगे तो इन, इन दोनों का नाम लिखोगे अपना नाम लिखोगे कोई भाई रहा है वो इनका अगर गौरंग पाठक का उसका नाम लिखिएगा आप गौरंग पथखावास का या गोरंग पाठक जो भी बोलिए बाकी सब कुछ सेम है मैं। देख लो सब कुछ तो बताया मैंने आपको देखो सारे रिलेटिव्स का नाम लिखा है प्रेयर वेरिफिकेशन एंड ऑल एंड ऑल बिल कैसे बनती है वो एक बार देख लीजिए दो मिनट में जब आप बिल बनाते हो आप अपनी वसीयत बनाते हो तो क्या बनाते हो कि मैं होशो आवास में इतने तारीख को इतने बजे यहाँ पर बिल बना रहा हूँ अपनी इच्छा से अपने तारीख को बना रहा हूँ फिर थोड़ा सा ज्ञान दे दिए कि देखिए लाइफ जो है वो अनसर्टेन है नहीं पता कब ख़त्म हो जाएगा दुख है बहुत दुनिया में इसलिए हम एक बिल बना रहे हैं बात को बूझे उसके बाद देखिए हमारी शादी हमारी जो पत्नी है इतने श्रीमती सीमा पाठक से इतने बजे मतलब इतने बजे तो नहीं इतने इतने साल पहले इतने बजे इतने बजे नहीं यार इतने साल पहले हुआ था उसके बाद हमारे दो बच्चे हैं उनकी पत्नी ये है उनके उनका पति ये है मेरे बेटी का पति ये है मेरे बे, बेटे का पत्नी ये है वो सब चीज़ें आपने लिख दिया अपने परिवार के बारे में बता दिया लिखो उसके नीचे कि नाउ मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ मुझे नहीं पता लाइफ कब खत्म हो जाएगी सो तो मैं एक प्रॉपर्टी जो भी मेरी प्रॉपर्टी है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको मैं सारा फॉर्मेट तैयार करके दे रहा हूँ इमोबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी वो लिख दिया आपने कहाँ पे कितनी जमीन है कितना प्लॉट है एड्रेस लिख दिया आपने मोबाइल प्रॉपर्टी कहाँ पे कितना पैसा है आपका कितना जो भी कैश है जो भी है, आपकी चीज़ें हैं कार है वगैरह वगैरह आपने सारी चीज़ें लिख दी उसके बाद आपने लिखा कि मैं आई हेयर वाई बिज दैट एनी एवर मैंशन प्रॉपर्टी शुड डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मैनर कि मेरा बेटा एग्जीक्यूटर बनेगा वो सारी प्रॉपर्टी को इक्वल अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा ठीक है और कुछ भी होगा तो मेरा बेटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एग्जीक्यूशन के लिए वो कल को कुछ भी होता है तो वो जाकर सारी चीजों को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा और ये सारी चीजें मैं इन दोनों के बिटनेस के जो भी बिटनेस है उसके सामने बना रहा हूँ होशोबास में बना रहा हूं बात खत्म हो गई बस लास्ट में बिटनेस का नाम दे दीजिए तो बिटनेस वही बिटनेस बाद में साइन करते हैं ये था आपका बिल कभी ना बैठ के सपने में सोचना तो जरा सामने अभी जब वीडियो देखने के बाद आप बैठना बस ये कैसे बनाओगे आपको हंसी आ जाएगी मैं ना मतलब बेन आई वॉज प्रिपेयरिंग द पीपीटी मैंने सोचा मैं बस ये कैसे बनाऊंगा अपना फिर मैंने सोचा मेरे पास है क्या जिसकी मैं बस येद बनाऊंगा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल समर्थ हाइस एंड जुडिशियरी अकेडमी इसको दूंगा जो भी है सो जस्ट थिंक इट सो ये था आपका एक टॉपिक इसको खत्म कर दिया मैंने जल्दी ही कॉन्स्टिट्यूशनल बिल कॉन्स्टिट्यूशनल डेट वाला भी बना दूंगा मतलब आपके पेपर के पहले खत्म कर दूंगा आई प्रॉमिसिंग इट बट डेफिनेटली आई ऑलवेज वॉन्ट योर सपोर्ट ऑलवेज वॉन्ट यूर लव एंड दैट इज़ वॉट इज समथिंग दैट हमेशा क्या चाहिए एक इंसान को यार दैट्स नथिंग बियॉन्ड यूर लव दैट्स काइंड ऑफ यू सो दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिस इज ऑल अबाउट स्कैनिंग दिज समर्थाइन जुडिशियरी सैनिंग ऑफ कल दूसरा वीडियो बना दूंगा फटाफट सोने का टाइम हो गया दो बज गए थैंक यू गुड बाय